हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू हैड अ प्रॉफिटेबल डे। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कल जो मैंने आपको ट्रेड्स दी थी उन्होंने आज कैसे परफॉर्म किया है। कल जो मैंने आपको पहली ट्रेड दी थी वो थी आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल। इसका बाय मैंने आपको दिया था 480 पे। ये अभी ऑलमोस्ट उधर ही है। अगर आपके पास है आप इस पर बने रहिए, अभी भी टेक्निकली काफी बुलिश है। इनफैक्ट कल की जो ट्रेड्स हैं उनमें एक आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल ही है। दूसरी ट्रेड मैंने आपको दी थी जेएम फाइनेंशियल। इसका बाय मैंने आपको दिया था 88.6 पे। इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, इसने ऑलमोस्ट अपना टेक प्रॉफिट अचीव कर लिया। ये स्टॉक मैं आपको चार्ट पे भी दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स। ये जेएम फाइनेंशियल का 5 मिनट चार्ट है। इसका बाइंग प्राइस मैंने आपको अराउंड यहाँ पे दिया था 88.6 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी वॉल्यूम बार भी आ गई है। उसके बाद प्राइस ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर से एक इतनी बड़ी वॉल्यूम बार आई और प्राइस ने एकदम से अपमूव किया है और ऑलमोस्ट प्राइस अपने टेक प्रॉफिट तक पहुंच गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से कहूंगा वॉल्यूम का इंडिकेटर जरूर लगाएं अपने ट्रेडिंग के लिए, उससे आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। और अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, फिर से इसमें पॉसिबिलिटी कल एक ब्रेकआउट आने की, पर ये वाली ट्रेड मैं आपको नहीं दे रहा क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत पास है। तो एक या दो पॉइंट के प्रॉफिट के लिए हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो रिस्क टू रिवॉर्ड हमें मिलेगा नहीं, तो इसलिए ये ट्रेड मैं आपको नहीं दे रहा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कल के लिए हमारी पहली ट्रेड कौन सी है। फ्रेंड्स ये आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल का चार्ट है जिसमें इसकी सपोर्ट है 475 पे, इसकी रेजिस्टेंस है 492 पे और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 507 पे। तो आज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस वापस आके सपोर्ट पे रुका, प्राइस ने नीचे जाने की कोशिश करी लेकिन यहाँ पे प्राइस को रिजेक्शन मिली। बायर्स इसमें बुलिश थे, काफी डिमांड थी इसमें, काफी परचेजिंग हुई, प्राइस वापस ऊपर आकर यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है। तो कल इसके अंदर जो हमारा बाइंग प्राइस होगा वो होगा जब प्राइस इस 315 की कैंडल के हाई को निकाल देगा, तो इसको हम बाय करेंगे 479.80 पे। तब प्राइस इस 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ जाएगा जो ये रेड वाली लाइन है। इसमें हमारा टेक प्रॉफिट का फर्स्ट लेवल होगा 491। प्राइस अगर इसको ब्रीच कर देता है तो टेक प्रॉफिट का हमारा सेकंड लेवल होगा 504। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 457 सपोर्ट के नीचे, इन स्विंग लोस के नीचे। अगर हम यहाँ पे देखें एक डबल बॉटम भी बन गया तो हम स्टॉप इसमें बहुत बड़ा नहीं लेंगे, तो इसमें हमारा स्टॉप होगा 457। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी ट्रेड है। ये देखते हैं कल के लिए हमारी नेक्स्ट ट्रेड कौन सी है। फ्रेंड्स ये गोदरेज सीपी का आवरली चार्ट है जिसमें इसकी सपोर्ट है 744 पे और उसकी रेजिस्टेंस है 770 पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस नीचे जा रहा था और प्राइस को एक बहुत सॉलिड यहाँ पे रिजेक्शन मिली है। उसके बाद प्राइस ऊपर आया यहाँ पे और प्राइस ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद यहाँ पे काफी देर प्राइस ने कंसोलिडेट किया और प्राइस ने वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक प्राइस को एक रिजेक्शन मिली है, प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा था पर इसमें डिमांड काफी थी, काफी परचेजिंग आई और प्राइस वापस ऊपर आ गया। तो इसके अंदर जो हमारा बाइंग प्राइस होगा वो होगा 752। जब वो इस 315 की कैंडल के हाई को निकालते हैं, इसका हाई है 751, तो हम इसको बाय करेंगे 752 पे और 752 पे ये 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ जाएगा। 50-day मूविंग एवरेज अभी है 751.85 पे, तो 752 हमारा बाइंग प्राइस रहेगा। इसमें हमारा टेक प्रॉफिट होगा 767। और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा सपोर्ट के नीचे, इस कंसोलिडेशन के नीचे जो होगा 727 पे। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कल ड्यूरिंग द ट्रेडिंग टाइम अगर कोई इंट्राडे ट्रेड आती है तो उसको मैं डेफिनेटली अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई ट्रेड्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड टेक केयर फ्रेंड्स।